यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अब इसको खाओ ना दिखना, तो यहाँ पे सारा वीडियो में आ रहा है ना एक केक, यहाँ पे क्यों रख रहे हो मार दे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 9 बज रहे हैं, 8:30 बजे के तक करीब मैं उठ गया था और 9:30 बजे मुझे जाना है एक काम से, दिखाऊंगा क्या काम से जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 9 बज गए हैं, 9:05 होने वाले हैं, अराउंड 25 मिनट बाकी है। नहा धो के सब कुछ रेडी होना है मेरे को, पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ और वो बोला है कि थोड़ा आगे जाके मिल। नहाया धोया कुछ नहीं है, पीछे उसका घर है, तो मैं आगे ही जाता हूँ। मास्क ले लिया हूँ, हेलमेट भी ले लिया हूँ, सब ले लिया हूँ, जाते हैं। आप देखो गाइस, जो हॉकर्स लोग हैं ना, यहाँ पे जितना भी कुछ है ना, ये 10, 20, 30 रुपये के अंदर है सब, जितना भी कुछ है सब 30 रुपये के अंदर है, बाल्टी से लेके सब कुछ। गाइस हम फाइनली निकल गए हैं और ये लड़का बहुत देर करवा दिया, बोला कहाँ से आ रहे घर का नल वल सब तोड़ दिया है गुस्से में, पता नहीं क्या हो गया इसका। तो अभी फिलहाल निकले हैं और रास्ता है पूरा जाम भरा हुआ है। क्या बोल रहा है, बोला पीछे जा, ये बोल रहा है मेरे को बार बार पीछे जाने के लिए, ऐसे चला रहा है, मैं गिर जाऊँगा तो कौन रिस्क लेगा। देखो गाइस आगे कितना जाम है, देखो इस साइड भी जाम है, इस साइड भी कुछ नहीं है। क्या हुआ देखिएगा, इससे एक तो बुलेट ऑन नहीं हो रहा है, देखिए कर देना। इसको इधर डालते हैं, इसको इधर, वो चाबी कहाँ है। अरे किक मारो तभी तो फील आएगा। आज ही गाड़ी का सर्विसिंग हुआ है, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है, गाड़ी ठोकेगा क्या। दो जन एक गाड़ी को स्टार्ट करते हुए पर असफलता। मेरा पैर का जूता का सामने चढ़ हो गया गाड़ी का, जूता से कहाँ हटा दिया गाड़ी। क्या सर्विसिंग हुआ गाड़ी का पता नहीं। टू बी कंटिन्यूड। मैं जिस इवेंट में आया था वो इवेंट का नाम है ब्लड कनेक्ट, तो ब्लड कनेक्ट में आया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हम लोग दोनों बैठे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो हमारा पहला डोनर है आदि भैया, जो सबसे पहले डोनेट करेंगे। तो इनका ऑटोग्राफ आदि भैया, यहाँ पे वेट चेकअप होगा, यहाँ पे सब फॉर्म फिलअप है और ये फॉर्म है। वहाँ पे पूरा एसी वाला बस है जहाँ पे ब्लड डोनेशन होगा, और ये भी है। तो आपको कैसा लग रहा है आदि भैया ब्लड डोनेट करके? सबको डोनेट करना चाहिए, सब आगे डोनेट। डेट। थैंक यू। यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है, यहाँ पे जूस है, वहाँ पे आपका सैनिटाइज़र है, ऑल द बेस्ट, पानी है, तो बाकी सब फॉर्म वॉर्म बाकी सब कुछ है। तो ब्लड डोनेट करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके, और भी लोग आकर डोनेट करना चाहिए। आपके एक ही ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है, सो आप भी हमारे साथ जुड़कर इस इनिशिएटिव में आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ब्लड डोनेशन का पूरा सीन है, पूरा एसी है, फैन वैन सब लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है आराम से। तो ये है गाइस ब्लड कनेक्ट का वैन, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा स्टेट से एकदम रजिस्टर किया हुआ है, कोई ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से पूरा रजिस्टर किया हुआ है। गिव ब्लड गिव लाइफ। अगर आप एक बार ब्लड डोनेट करते हो तो आप 3 लोगों का जान सेव कर सकते हो, 3 लोगों का लाइफ सेव कर सकते हो। ऐसा ही है, देखो वेस्ट बंगाल से पूरा रजिस्टर किया हुआ है सब कुछ हमारा। तो गाइज इन केस अगर आपको ब्लड का ज़रूरत पड़े तो आप इनके वेबसाइट में आप जाके ब्लड डोनेशन के लिए रेस कर सकते हो कि मुझे ब्लड का ज़रूरत है। और तो और आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके इनको ये कर सकते हो कि मुझे ब्लड का ज़रूरत है। तो मैं वेबसाइट का लिंक और इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो और काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको ब्लड डोनेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। तो एक अच्छा काम है, तो आप लोग प्लीज़ करो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद ब्लड कनेक्ट। तो मैं भी एक लिख दे रहा हूँ कि ग्रेट एक्सपीरियंस। इवेंट वगैरह हो गया है ब्लड डोनेशन वाला, काफ़ी अच्छा इवेंट था और खाना पीना सब कुछ हो गया वहीं पे, वहीं से सब कुछ मिला। अच्छे से प्रॉपर केयर किया गया, जो डोनेट करने आए थे उनका भी, जो हम लोग काम कर रहे थे हमारा भी। तो काफ़ी अच्छा इवेंट था, ठीक है। और अभी मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं हाजरा आ गया हूँ। भैया मुझे छोड़ दिए थे टॉलीगंज, वहाँ से बस पकड़ के हाजरा, अब हाजरा से एक बस पकड़ूँगा सीधा घर, ठीक है। तो यही है, बस का वेट करना है इतने धूप में, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अराउंड 10 मिनट रुकने के बाद फाइनली बस आ गया है। अब जा रहा हूँ बस से घर। मैं जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ ना कि ऑटो कम यूज़ करूँ, बस से ज़्यादा यूज़ करूँ। तो थोड़ा रुक गया, बस आ गया, बस अब जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली 4 बज रहे और अब मैं घर आ गया हूँ। और अब फ़िलहाल 2 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा, उसके बाद शाम को पूजा करके और फिर आज निकल जाना है मम्मी पापा के साथ थोड़ा कपड़ा ख़रीदने के लिए बाज़ार। तो बाज़ार जाना है, उसके बाद कल फिर एक जगह जाना है, वो शायद मैं नहीं दिखा सकता आपको, तो वो नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं, पूरा पैर वैर पूरा सब दर्द हो रहा है। और मैं तो एक्सीडेंट हुआ था, कमर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तो गाइस 6 बजे निकलने का बात था, पर 6:30 बजे तो मैं सो ही के उठा। तो अभी 7:30 बज रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी पापा निकल गए बाइक से, मैं आऊँगा ऑटो या फिर रैपिडो, ऑटो से ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ से तो बस जाएगा नहीं डायरेक्ट। तो यहाँ से मुझे को ऑटो फिर बस ऐसे कुछ करके जाना पड़ेगा, तो वैसे ही मैं जाऊँगा। फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि मम्मी पापा पहले पहुँच जाएंगे ना। हाँ ठीक है, मम्मी का पहले कपड़ा खरीदाएगा, उसके बाद मेरा खरीदवाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस ऑटो से मैं उतर गया कॉर्नफील्ड रोड। अब ऑटो से उतरने के ऑपोजिट साइड से, यहाँ से 2 मिनट का दूरी है, एक डलिया, वहाँ से मॉल है, शायद पास में ही है। तो पापा से पूछना होगा कौन सा मॉल में है। तो बस, तो बेकार मैं यहाँ से फिर वहाँ आ जाता, वहाँ से फिर बस लेता, यही सबसे शॉर्टकट। मेरे रास्ते में याद आएगा अरे वहाँ से तो मैं जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से जा रहा हूँ। तो गाइस मम्मी पापा वाला दुकान में आए हैं, काफ़ी मस्त दुकान है, देखो फिक्स प्राइस नो चेंज। मम्मी पापा वहाँ हैं, साड़ी, और ये मॉडल है, क्या मॉडल है देख रहे हो, ये देखो ये मॉडल, इसका आँख अक्सर उड़ गया, सिर्फ बिंदी है सिर्फ। तो गाइस मम्मी का कपड़ा तो खरीदा गया, इसमें मेरा कपड़ा वहाँ से खरीदाएगा स्टाइल बाज़ार से, ये नया खुला है एकदम नया है। दुर्गा पूजा के समय आया था यहाँ पे तो नहीं था ये वाला, अभी नया खुला है ये। तो गाइस वो जो मॉल में गए थे ना, वहाँ कपड़ा कुछ ठीक नहीं था इन द सेंस, मतलब फॉर्मल पैंट दिखा रहे थे और फॉर्मल्स मेरे को मतलब खुला है, मुझे नैरो पसंद है फॉर्मल, और तो मेरे को पसंद नहीं आया वहाँ पर। तो दूसरा मॉल में जा रहा हूँ, तब से चल ही रहा हूँ, मॉल ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। सब कुछ आ रहा है लेकिन मॉल ही नहीं आ रहा है वो वाला। ओ आ गया, फाइनली आ गया। देखते हैं इसके अंदर कपड़ा, इसके अंदर मिल ही जाएगा क्योंकि मैं हमेशा अपना सारा कपड़ा यहीं से लेता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से। पर शॉपिंग मेरा हो गया है, पर जॉगर्स नहीं ले पाया क्योंकि मॉल बंद हो गया ना, तो 9 बजे के अराउंड सब मॉल बंद हो जाते हैं। तो पर मेरे को मेरा पसंद वाला 3 चीज़ मेरे को मिल गया और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ उससे, तो मज़ा आ गया। अब कहीं जा रहे हैं, थोड़ा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पापा के साथ मैं जब भी आता हूँ ना, तो पापा खाली मुंह नहीं लेकर जाते हैं, पापा मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते हैं। तो जा रहा हूँ, कुछ खा ले रहा हूँ, उसके बाद घर जाऊँगा, उसके बाद एक मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करूँगा, फिर सुबह को फिर भागता हूँ। आई लाइक इट क्योंकि हम लोग घर में बैठना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब घर से बाहर निकल के जैसे घूमना पसंद नहीं है, कुछ काम से जाओ तो मेरे को पसंद है, पर घर में बैठना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइस बाजार से मैं घर आ गया था 10 बजे के अराउंड और अभी 12:30 बजने वाले हैं। डिनर रेडी हो गया है, डिनर करते हैं और बड़े दिनों के बाद आज एक खाने को मिलेगा। बड़े दिनों के बाद क्या थी, 2-3 दिन के बाद, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गया, तो आज एक खाऊँगा और उसके बाद एडिटिंग करूँगा। थोड़ा मीटिंग चल रहा था तो कल थोड़ा कुछ काम था तो वही काम कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। तो काम फ़िलहाल थोड़ा सा हुआ है, अभी थोड़ा और बाकी है, वो कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं। 4 बजे तो मैं सोता ही हूँ रोज़, तो एडिटिंग करूँगा अभी, उसके बाद वो लिखूँगा, उसके बाद सोऊँगा, उसके बाद कल सुबह जाना भी है, पता नहीं कैसे होगा। तो गाइस फाइनली रात के 2 बज रहे हैं और अब जाके ब्लॉग पूरा एडिट हुआ है और अब क्या करते हैं, काम भी है, मन नहीं कर रहा मेरे को, तो आज एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, पर काम है यार, करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए करता हूँ। तो रोज़ सुबह ब्लॉग आ जाना चाहिए। बीच में थोड़ा शेड्यूल यहाँ वहाँ हो गया था पर बाद में मैं उसको मेकअप कर लिया। तो बस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ब्लड डोनेट करो, आपको मतलब एक पॉजिटिव वाइब मिलेगा आपको कि हाँ मैं एक बार ब्लड डोनेट करके मैं 3 लोगों का जान बचाया। तो ब्लड ज़रूर डोनेट करो अगर आप सक्षम हो तो, और कोशिश करना कि ब्लड डोनेट करने का। तो मिलता है कल।